हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, गुरु जी को मानते, गुरु जी की नहीं मानते। जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जो मिल रहा करे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। आप ये बात नोट कर लें, बहुत प्यारा कोड है, काम आएगा। कोई भी तुम्हारे बगल में बैठा हुआ आदमी तुमसे ये पूछने लगे कि काम क्या करते हो, ये मत समझना कि वो तुम्हारे बारे में जानने में इच्छुक है। दरअसल वो ये जानना चाहता है कि तुमको इज्जत कितनी देनी है। इसलिए परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण। आज हमारे केशव जी हमको पूछ रहे थे, बोले कुछ आप मोबाइल पे बोल दो, तो हम बोल रहे थे मोबाइल पे। हमका कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं है, आपकी परिस्थितियों के साथ। और हमने अभी अभी नजारा देखा है भारत का, भारत वनडे वर्ल्ड कप हारा तो लोगों ने गाली दी, और किस्मत की बात के ऑस्ट्रेलिया से ही हारा। और भारत T20 वर्ल्ड कप अभी अभी जीता तो मुंबई में और पूरे देश ने तालियां दी। जो ठीक 15 दिन पहले गाली बक रहे थे वो कल ताली बजा रहे थे। क्या गजब के लोग हैं यार, इन पागलों की पहुंच को तो देखो। 15 दिन पहले ये कह रहे थे रिटायर करो, रिटायर बूढ़े हो गए, रिटायर करो। कैप्टन को बोल रहे थे वो, हम आई लाइक यू क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, यस हम पसंद करते हैं क्रिकेट। तो वो लोग बोल रहे थे, हमसे तो नहीं बोल रहे थे, हमसे बोलने की दम नहीं, क्योंकि हम छील देते हैं, बहुत तरीका से छील देते हैं, तो हमसे दम नहीं पड़ती। आदमी हमसे बात करने में थोड़ा सा सकुचाता है, वो सकुचाना भी चाहिए, क्योंकि हम सख्त बोल देते हैं। अपन को ना इनकम ना दिन कम, अपन को टेंशन कुछ है ही नहीं, हमको तो टेंशन कुछ है नहीं, और टेंशन को हमसे टेंशन है कि क्यों नहीं है टेंशन अपन को, तो हमसे नहीं, पर लोग बोल रहे थे बूढ़े हो गए रिटायर करो, रिटायर अब दम नहीं बची, हाथ नहीं चल रहे, दिमाग खराब होगा, अहंकार आ गो, हार नहीं था, ऐसा बोल रहे थे। जो बहुत अच्छा करे, हमारे 2-3 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, हमारे बहुत आत्मा के बच्चे खेलते हैं, जो हमारे पास बीच बीच में आते रहते हैं, हमारा बहुत प्रेम है उनसे, और प्रेम इसलिए क्योंकि वो राष्ट्र के लिए खेल रहे हैं। तो हम उनको कुछ नहीं बोले। हमारा एक बच्चा है कानपुर में रहता है, कुलदीप यादव, बहुत प्यारा है, जब भी उसका मन करता वो बागेश्वर धाम आता, हर 2 महीने में, 15 दिन में, 3 महीने में, जब भी उसका मन करता वो दूरभाष से बात करता। तो जब वो क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप हारे वो बहुत गाली बक रहे थे, वो बेचारा कई दिनों तक निकला नहीं घर से, और लोग गाली बक रहे थे। लेकिन कल हमको जब खबर मिली कि कानपुर में उसका कल स्वागत हुआ, बड़ा भव्य हुआ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीत कर आया और उसने 10 से ज्यादा विकेट लिए। तब फिर हमने आज बोला मोबाइल पर कि हमने कहा दुनिया कोई भी आपके साथ नहीं है, आपकी परिस्थितियों के साथ है। चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हो, दुनिया आपके साथ नहीं है, किसके साथ है? परिस्थितियों के साथ। अपनी परिस्थिति सुधारना है तो अपनी स्थिति को स्थिर करना पड़ेगा, स्थिति को स्थिर करना है तो सदगुरु को पकड़ना पड़ेगा, सदगुरु को पकड़ोगे, महात्मा को पकड़ोगे तो वो तुम्हें परमात्मा से जोड़ देगा। तो हनुमान जी राम राज्य के नायक हैं, और राम राज्य की कल राम राज्य की विचारधारा क्या, देह की देवी के भौतिकता राम राज्य नहीं काउई व्यापा, राम राज्य नहीं काउई व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप आपको सता नहीं सकता अगर आप राम राज्य में जी रहे हैं। राम राज्य क्या मेरे पागलों, राष्ट्र में राम राज्य स्थापित होना राम राज्य नहीं, दिल में राम राज्य उतरना राम राज्य है। हम कहते तुम्हारे परिवार में राम राज्य हो या ना हो, तुम्हारे दिल में होना चाहिए, और तुम्हारे दिल में राम राज्य उतर गया तो तुम्हारी दृष्टि में अगर राम राज्य उतर गया तो तुम्हारी सृष्टि में भी राम राज्य उतर जाएगा।
ऐसे समझो, ये बात थोड़ी कठिन है समझने में, जिसको पेट की गैस चढ़ी हो, भयंकर पेट की, बार बार डकार आ रही हो, उल्टी गैस आ रही हो, गैस तो समझते हो ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गैस ठीक है ये नहीं आती है, फिर भी बीच बीच में चखाते रहना चाहिए अंग्रेजी, हमारे अंग्रेजी के ट्रांसलेटर ही गजब के हैं, अब क्या कहें, टेंशन अब जैसे हम जैसे तुम, जय हो महाराज। जिसको भयंकर गैस चढ़ी हो उसे तुम कितनी बढ़िया प्रवचन सुना हो, उसका मन वहीं लगा रहे, कब पास हो, कब पास, कब पास, और थोड़ी सी भी नहीं, आह अब राहत आई, कितने भी करोड़ों के प्रवचन सुना दो पर जब तक अगर गैस चढ़ी, सीताराम कहो, सीताराम, और जहां थोड़ी गैस निकल, आह सीताराम 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 सीताराम, फिर ऐसे लगता है जैसे पहाड़ निकल गया, वही कथा हम पहले कह रहे थे, पर तब तुम्हें बोझ लग रही थी और गैस निकलते ही आहा क्या गजब कथा सुना रहे, वाह गुरु जी अब तुम्हें आनंद दे रही कथा वही है, पर तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए कथा तुम्हें मन नहीं भा रही थी, अब तुम्हारी स्थिति बढ़िया हो गई, अब तुम्हें यही आनंद देने लगी, यही हम राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में राम राज्य बैठ जाएगा, तुम्हारी दृष्टि में राम राज्य बैठ जाएगा, तो पूरी सृष्टि में राम राज्य बैठ जाएगा। तो राम राज्य को मन में बैठाना, कहां बैठाना है, मन में। राम राज्य क्या, राम राज्य है वही सूत्र पुराना कथा के प्रारंभ का, बीच में हमने कथा के स्टार्टिंग में बोला, मिलने में तो सब धन्यवाद देते हैं, कोई खोने में धन्यवाद दे, पाने में सब धन्यवाद देते हैं, जाने में धन्यवाद तुम्हारे अंदर आ जाए, समझना तुम्हारे अंदर राम राज्य बैठ गया है, क्योंकि राम राज्य में तो जाने में भी धन्यवाद देता है। गोपियां कहती भगवान कृष्ण से, तत् सुख सुखित्वम, आप जिसमें सुखी हो, हे गोविंद आप हमसे दूर जाने में सुखी हो, चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ जाओ, हमारे जाने में आप तो सुखी हो, प्रेमी कौन, प्रेमी वही है जो अपने प्रियतम के सुख में सुखी है। अब हमारी माता जी अभी क्या, आप विश्राम कर लो, आपको उठने की जरूरत नहीं, ये प्रेम है, क्योंकि जिससे प्रेम होता ना उसके सुख में ही व्यक्ति सुख देखता है, आपको इसमें सुख है ठीक है, वो प्रेम नहीं, अधिकार प्रेम नहीं है, स्वतंत्रता प्रेम है, परम स्वतंत्रता प्रेम है। तो अगर आप मेरे प्रियजनों मन में राम राज्य बैठा रहना चाहते हो तो प्रभु को दोनों स्थितियों में धन्यवाद दो, सुख में भी दुख में, भगवान से कहो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे
दोनों तुम्हारे हैं। भगवान किसी भी भावना पे लीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि। हनुमान जी किस गुण पर लीज जाते।